हाय गाइस, मैं शॉन। तो आप देख रहे हैं शॉन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेविगेशन जेस्चर बार और जीपीयू ट्यूनर को अनेबल कर सकते हैं नॉन सपोर्टेड डिवाइस में। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत सारा लो एंड डिवाइस में आपको नेविगेशन जेस्चर बार नहीं देखने को मिलता है। इनफैक्ट आपका रिसेंट मेन्यू में जो आपको हॉरिजॉन्टल रिसेंट मेन्यू देखने को मिलता है वो भी आपको नहीं देखने को मिलता। तो अगर आपको अनेबल करना है नॉन सपोर्टेड लो एंड डिवाइस में, चाहे उसमें आपका MIUI 12 या MIUI 11 रहे, दोनों में ये काम कर जाएगा। देख सकते हैं कि मैं आपका Redmi Note 7 Pro यूज़ कर रहा हूँ, Redmi Note 7 S और बहुत सारा और सिमिलर लो एंड डिवाइस में आपको जो है ये नेविगेशन जेस्चर बार जो ये आपको ऑफिशियली नहीं देखने को मिलता है। और अगर आप चाहिए तो इसमें आपको होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, वो भी आपको नहीं देखने को मिलता। तो अगर आपको ये सभी ऑप्शंस या फीचर्स को अनेबल करना है तो इसको आप अनेबल कर सकते हैं। ज़्यादातर कोई भी लो एंड डिवाइस में ये काम कर जाएगा, जैसे कि पोको का कुछ लो एंड डिवाइस में आपका ये फीचर्स नहीं है और आपका जो कुछ रेडमी में भी नहीं है। तो अगर आप चाहिए तो रिच आइटम इन रीसेंट्स का जो है हॉरिजॉन्टली का ऑप्शन नहीं है, तो उसको अगर आपको अनेबल करना है तो वो भी आपका जो है इस मॉड के थ्रू अनेबल हो जाएगा। और आपका जेस्चर नेविगेशन, मतलब नेविगेशन जेस्चर, आपका हॉरिजॉन्टल रीसेंट बार और आपका जो है जीपीयू ट्यूनर भी अनेबल हो जाएगा। बट कैसे अनेबल कर सकता हूँ इसलिए इसके लिए वीडियो आपको स्टार्ट से एंड तक देखना होगा। और सेकंड जो है आपका ये जीपीयू ट्यूनर अनेबल हो जाएगा जो कि आपका बस फ्लैगशिप डिवाइस को सपोर्ट करता है। बट आपको ये इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली मतलब स्किप मत कीजिएगा, यही एक सीक्रेट रूल है कि स्किप कीजिएगा तो आपको जो है कुछ समझ में नहीं आ सकता है। तो अगर आप चाहिएगा तो ये आपको जो है जीपीयू ट्यूनर देखने को मिल जाता है जो कि बस आपका 800 स्नैपड्रैगन 800 सीरीज को सपोर्ट करता है। बट ज़्यादातर कोई भी डिवाइस में काम कर रहा है, बट ये इंस्टॉल करने के बाद आपका डिवाइस शायद हीट हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं आपको जो ऐसा कुछ पिक्चर क्वालिटी परफॉर्मेंस हाई फ्रेम रेट हाइस्ट फ्रेम रेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डिफॉल्ट सेव पावर बैलेंस हाई क्वालिटी कस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता। तो अगर आपको ऐसा कुछ कस्टमाइज करना है तो आप जो है जीपीयू ट्यूनर को अनेबल करके आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बट आई गेस बहुत सारे डिवाइस में अनेबल हो रहा, बहुत सारे डिवाइस में अनेबल नहीं हो रहा, और अनेबल होने के बाद भी ये जो है डिवाइस को काफ़ी गर्म कर दे रहा। तो वो आपके ऊपर है कि आपको इसको अनेबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं करके देखा हूँ Redmi Note 10 Pro Max में तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हुआ, तो Redmi Note 7 Pro जो ये डिवाइस इसमें मैं ट्राई किया हूँ तो ये भी थोड़ा हीट हुआ, तो मैं उसको जो है काइंड ऑफ डिसेबल कर दिया। इसके लिए आपको दो मॉड्यूल्स चाहिए, उसके बाद आपको मैजिक्स मैनेजर चाहिए। मैजिक्स मैनेजर में जाइए, ओपन कीजिए, फिर ओपन करने के बाद आपको जो मॉड्यूल्स में जाना होगा, मॉड्यूल्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं जीपीयू सेटिंग इन MIUI गेम टर्बो, तो इसको आपको अगर चाहिए अनेबल करना तो अनेबल कर सकते हैं। और दूसरा आपका जो है आपका वो रिसेंट वाला जो है लो एंड डिवाइस वाला वो आप अनेबल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं रिमूव लो एंड डिटेक्शन फ्रॉम लो एंड डिवाइस, तो वो आप अनेबल कर दिए। दो आपका मॉड्यूल्स होगा, दोनों को अनेबल कर दिए। उसके लिए आपको जाना होगा इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में, और उसके बाद जो आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप जहाँ पे भी ये दोनों मॉड्यूल्स को जो है सेव करके रखे हैं, जो कि पहला आपका जीपीयू ट्यूनर और दूसरा आपका लो एंड डिवाइस वाला डिटेक्शन वाला, वो आप दोनों को ही फ्लैश कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं एंटी लो एंड MIUI, जैसे आप उसको फ्लैश कीजिएगा तो आपका जो लो एंड डिवाइस जो था वो आपका हाई एंड बन जाएगा, मतलब कि जो भी फीचर्स डिसेबल हो सभी अनेबल हो जाएगा आपका डिवाइस में। तो बस सिंपली उसको फ्लैश करके रिबूट कर दीजिए आपका डिवाइस, तो आपका डिवाइस में उसके बाद आपका नेविगेशन जेस्चर बार, उसके बाद आपको जो रिसेंट मेन्यू हॉरिजॉन्टल वाला और जितने फीचर्स जो डिसेबल था सभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसको ट्राई करके देखिए, और जीपीयू ट्यूनर ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए वो सब न्यू फीचर्स तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये Redmi Note 7 Pro है जो कि लो एंड डिवाइस है, आप देख सकते हैं सभी फीचर्स जो आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको भी चाहिए था तो ये ट्राई करके देखिए। आई होप कि शायद आपको ये दोनों मैजिक्स मॉड्यूल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, तो बस ट्राई कीजिए और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि जीपीयू ट्यूनर आई गेस फोन को गर्म कर रहा है, तो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं, और आई होप कि साथ आपको जो है दोनों मॉड्यूल्स और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक मारना है। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो और ऐसा वीडियो चाहिए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन को ऑल में रख सकते हैं। सपोर्ट कीजिए प्लीज़, फ्री है, और चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दिए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ भी सजेशन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।